दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक्नो वाइब्स और बेल आइकन को दबा के रही अपडेटेड सारे टेक रिलेटेड वीडियोस के साथ। तो कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयास और आप देख रहे हैं टेक्नो वाइब्स। तो आज इस वीडियो पे हम अनबॉक्स करेंगे रेडमी 4 और पूरे मोबाइल के रिव्यू करेंगे और कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये रहा हमारा बॉक्स और बॉक्स को ओपन करने से हमको सबसे पहले जो है ये ब्लैक कलर का हमारा रेडमी 4 मिल जाता है, जो कि ये 2GB वेरिएंट और इसमें 16GB इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाता है। साथ में बॉक्स के अंदर में आपको कुछ मैनुअल पेपर्स यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे आपको USB अडाप्टर और चार्जर जो है आपको मिल जाता है। सो फोकस करते हैं मोबाइल के ऊपर में। तो ये जो मोबाइल है आपका ब्लैक कलर का वेरियंट है और प्रीमियम मेटेलिक डिजाइन जो है ये बॉडी का है। ठीक है, तो इसको रिमूव करके मैं आपको पूरा बॉडी दिखा देता हूँ। सो ये रहा हमारा रेडमी 4 का जो है मेटेलिक बॉडी और पीछे में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है इसमें मिल जाता है। हालांकि प्राइस जो है 7000 के प्राइस में आता है। साथ ही में 6 मंथ पहले Xiaomi ने रेडमी 3S को लॉन्च किया था जिसमें जो है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं आता था। ये भी 2GB रैम का और 16GB इंटरनल मेमोरी वाला ये रेडमी 3S का वेरियंट है। तो हम फोकस करेंगे रेडमी 4 पे। तो इसके स्पेसिफिकेशन को हम देखेंगे तो जो आपको स्पेसिफिकेशन में आपको मिलता है, आपको 5 इंच का 720 पिक्सल का HD डिस्प्ले मिलता है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है। और साथ ही में आपको फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का आपको शूटर मिलता है और रियर में आपको 13 मेगापिक्सल का शूटर आपको मिल जाता है। साथ में रियर में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और साइड में आपका वॉल्यूम बटन के साथ में आपका पावर बटन भी मिलता है। जो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आप हाइब्रिड सिम स्लॉट है, इधर आप 2 सिम कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम के साथ में एक मेमोरी आपको एट अ टाइम यूज करने को मिलेगा। और नीचे में जो आपको यहाँ पे चार्जर पोर्ट मिलता है और यहाँ पे जो आपको स्पीकर मिल जाता है और ऊपर वाले पार्ट में जो आपको यहाँ पे आयर ब्लास्टर के साथ में 3.5mm जैक का आपको हेडफोन जैक मिल जाता है। तो रेडमी 4 के प्रोसेसर की अगर बात करें तो आपको रेडमी 4 में आपको स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन जो 6 मंथ पहले Xiaomi ने लॉन्च किया था रेडमी 3S इसमें जो आपको स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट आपको मिलता था। ठीक है, देन इसके बाद हम फोन को ऑन करते हैं। तो दोस्तों हमारा फोन जो है ये बूट हो चुका है, आप देखते हैं फोन के डिटेल में। ठीक है, तो हालांकि डिस्प्ले जो है ये 720 पिक्सल का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता, लेकिन डिस्प्ले का कलर जो है काफी अच्छा है और डिस्प्ले जो है ये 2.5D कर्व ग्लास है। हालांकि इसमें गोरिल्ला ग्लास मेंशन किया गया, लेकिन गोरिल्ला ग्लास का कौन सा वर्जन है, 3 है या 4 है, ऐसा कुछ भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम फोन को ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका MIUI 8 पे ये चल रहा है। जो सॉफ्टवेयर वर्जन है ये आपका जो है 6.0.1 जो है ये आपका मार्शमेलो वर्जन पे जो है आपका ये मोबाइल अभी करेंटली रन कर रहा है, लेकिन नोगट अपडेट का अभी कोई भी अपडेट्स यहाँ पे एमआई की तरफ से नहीं दिया गया है। बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो बैक साइड में जो मिलता है काफी अच्छा काम करता है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं अपने फिंगर को पीछे टैप करता हूँ जो फोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। आप फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन जो है ये अनलॉक हो जाता है। ठीक है, मैंने टैप किया और फोन जो है ये इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफी इम्प्रेसिबल है। तो दोस्तों Redmi 4 जो है ये अपग्रेडेड वर्जन है Xiaomi Redmi 3S का और 7000 प्राइस रेंज के अंदर में, बजट ओरिएंटेड के अंदर में काफी अच्छा मोबाइल है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, साथ में प्रीमियम मेटल बॉडी और जो है आपको 2GB रैम के साथ में 16GB का आपको वेरियंट मिल जाता है। हालांकि मोबाइल जो अलग वेरियंट्स में भी अवेलेबल है, जैसे कि 3GB रैम में आपको 32GB का भी वेरियंट आपको इसमें मिल जाता है, ब्लैक कलर के साथ में आपको गोल्ड कलर भी मिलता है। हाँ, अब अगर मेन बात करें बैटरी की, बैटरी जो आपको यहाँ पे 4100 mAh का बैटरी मिलता है और आराम से आपको 1 से 1.5 दिन का आपको बैकअप यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। जब मैं ये अपना Redmi 3S जब यूज करता हूँ तो ये आराम से जो है आपका 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप नॉर्मली आपको मिल जाता है Redmi 3S में। तो वही बैटरी जो है यहाँ Redmi 4 में भी यूज किया गया है। अब बात करते हैं कैमरा की। अब कैमरा जो आपको रियर में, हालांकि जैसे मैंने बताया कि रियर में आपको 13 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। ठीक है, तो कैमरा जो है, कैमरा परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है Redmi 4 में Redmi 3S के मुकाबले जो है कैमरा काफी अच्छा है और Redmi Note 4 के मुकाबले में भी Redmi 4 में कैमरा काफी अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मैं कैमरा के कुछ सैंपल शॉट्स यहाँ पे आपको वीडियो में शो कर रहा हूँ। ये एक सैंपल वीडियो फुटेज है Redmi 4 के फ्रंट कैमरा से।
अब नेक्स्ट आते हैं स्पीकर की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर जो आपको नीचे में आप स्पीकर मिल जाता है, लेकिन स्पीकर जो है यहाँ पे एक साइड में आपको स्पीकर मिलता है, जो अदर साइड है वो आपका माइक्रोफोन के लिए यहाँ पे दिया गया है। हाँ, साथ में आपको ऊपर जो और एक माइक्रोफोन यहाँ पे मिल जाता है जो कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए काम करता है। तो स्पीकर के साउंड टेस्ट हम देखते हैं स्पीकर कितना साउंड देता है। यहाँ पे मैं आपके लिए ऑडियो प्ले करता हूँ। तो स्पीकर का साउंड जो है काफी अच्छा है और क्लियर वॉइस है, और ऑल ओवर जो है मोबाइल काफी अच्छा है यूज करने को। तो 7000 प्राइस रेंज के अंदर में अगर आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन साबित होता है। तो दोस्तों ऑल ओवर मैंने आपको सारा स्पेसिफिकेशन बता दिया है और मोबाइल के प्रोस, ठीक है। अब प्रोस के ऊपर आते हैं। जो प्रोस है आपका, सबसे पहले आपका कैमरा है, ठीक है, जो उसके बाद स्पीकर में आपका प्रोस में आता है, और 7000 के अंदर में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, प्रीमियम मेटल बॉडी मिल जाता है, ये होता है आपका प्रोस में, ठीक है। अगर कॉन्स की बात करूँ, हालांकि चार्जिंग के टाइम में फोन जो है थोड़ा हीट करता है, ठीक है, कोई कोई मतलब कभी कभी जो है फोन जो है हीट करता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल बॉडी है तो आपको थोड़ा बहुत चार्जिंग के टाइम में हीट जो है वो महसूस होगा। और अगर गेमिंग वगैरह की बात करें तो सच बोलूँ तो मैंने अभी तक इसमें गेमिंग वगैरह किया नहीं है। जब मैं करूंगा तो मैं सोचूंगा तो आप वहाँ पे एक वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन बाद में जब मैं इसको अभी अभी यूज करूंगा और फिर जो है आपको फाइनल रिव्यू इन डेप्थ में आपको मैं बताऊंगा इस मोबाइल के बारे में। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अब आपके लिए एक खुशखबरी है। तो खुशखबरी ये है कि यहाँ पे जो है Redmi 4 जो है आपके लिए यहाँ पे गिव अवे के लिए भी रखा गया है। तो गिव अवे के लिए आपके लिए यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आपको क्या करना है, उस लिंक पे जाना है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 2 वीक्स के अंदर में जो है Redmi 4 का गिव अवे हो जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मैं हूँ आयास, और बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना, और मैं कुछ अभी नहीं कहूंगा। बाकी जो कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे चेक करके जान सकते हैं। मैं हूँ आयास, साइनिंग आउट। आप देख रहे हैं टेक्नोवेज, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।